अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ले उनका इस तरह से जब पराजय सामने है तब उसी ईवीएम और उसी व्यवस्था पे उसी टेक्नोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। और इसके साथ साथ में पहले जो टेक्नोलॉजी थी उससे टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। जब वो चुनाव जीते थे, जब अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव जीते थे, तब वीवीपैट सिस्टम नहीं था। और कांग्रेस तो अभी वर्तमान में 3 राज्यों में चुनाव जीत करके इसी के आधार पर चुनाव जीत के इसी ईवीएम के मतदान प्रक्रिया से चुनाव जीत करके आई है। राशिद अलवी साहब ने जिस तरह का बयान दिया है कि इन तीनों प्रदेशों में उस समय ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस को जिताया गया था ताकि लोकसभा के चुनाव के समय में हम इसका लाभ उठा सकें, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। कम से कम अशोक गहलोत साहब को इस पर तो बयान देकर के अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि वो जनता के फैसले से बने, ईवीएम में गड़बड़ करने के कारण से मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके अतिरिक्त ये जो ईवीएम की बात आज जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा करने वाले नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि देश में सारी राजनीतिक पार्टियों की जय और पराजय इसी ईवीएम के आधार पर पिछले इतने वर्षों से होती आई है। इस तरह के प्रश्न खड़े करना बिल्कुल बेमानी भी है। और अंतिम इसमें विषय यह है कि ये जो चर्चा है उसको एग्जिट पोल पर आधारित मानते हैं। आप मीडिया के लोग एग्जिट पोल ईवीएम पे आधार पर नहीं तय करते। एग्जिट पोल जो है जो वोट दे करके आता है उसकी एग्जैक्ट भावनाएं जो है उस भावनाओं के आधार पर एग्जिट पोल के निर्णय बनते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की भावनाओं के लिए ईवीएम को दोष देना मुझे लगता है ये सर्वथा अनुचित है और लोकतांत्रिक ढंग से बनाई हुई संवैधानिक संस्थाओं का अपमान भी है और उनकी मर्यादा को कम करने का प्रयास भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल अपने फैसले में जो गोवा के एनजीओ ने जो पीआईए लगाई थी इसको लेकर के उस फैसले में कल इसको बकवास करार देते हुए उस याचिका